प्रदेश में आज से कोरोना वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगाई गई। दौसा के जिला अस्पताल में टीकाकरण केंद्र पर कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का कार्य किया गया। दौसा कलेक्टर पीयूष समारिया ने बताया कि यह दूसरी डोज उन सभी लोगों को लगाई गई जिनको पहले चरण में 16 जनवरी को टीके की पहली डोज दी गई थी। आज प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक शर्मा सहित चिकित्सकों ने वैक्सीन की दूसरी डोज ली। इस अवसर पर डॉक्टर ने कहा कि पिछले महीने टीके की पहली डोज लगाने के बाद से उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। इनके बाद एक सेकंड चरण हो रहा है क्योंकि हमने आपको अवगत होगा कि 16 जनवरी को पहला डोज दिया था और अब आज सेकंड डोज की बारी आ चुकी है। और इसमें जैसे हमने स्टार्ट हेल्थ केयर वर्कर से किया था तो अब उन्हीं का नंबर है। और इसके अलावा हमारे जितने भी पंचायत राज विभाग में जो समाज कल्याण और एग्रीकल्चर विभाग से जुड़े हुए कार्यकर्ता कार्मिक हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं फॉर फर्स्ट डोज, तो आज ये सेकेंड डोज की वैक्सीन सक्सेसफुली हर जगह स्टार्ट हो गई। 16 जनवरी को पहला टीका लगा था जिले में और आज जिनके फर्स्ट डोज लगी थी उनका आज सेकेंड डोज लगने का है शेड्यूल। और तब से अब तक सभी लोग कंफर्टेबल है, किसी को कोई एडवर्स कोई चीज़